दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। पाठक ने कहा कि बीजेपी और एमसीडी ने दिल्ली वासियों को परेशान करने के लिए नया तरीका ईजाद किया है। दिल्ली वासियों के घरों में नोटिस भेजा जा रहा है कि आपने अपना हाउस टैक्स जमा किया है या नहीं। आप विधायक ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा, दिल्ली के लोगों से नोटिस भेजकर उनके घरों का हाउस टैक्स साल 2004 से 2022 तक की टैक्स जमा करने की रसीद मांगी जा रही है। पाठक ने कहा, मेरा दावा है कि ये रसीद तो दिल्ली के उपराज्यपाल से लेकर बीजेपी का कोई सांसद विधायक या पार्षद भी नहीं दिखा पाएगा कि उसने साल 2004 से लेकर 2022 तक का हाउस टैक्स जमा किया है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ने एमसीडी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि आपको अभी पूरे दिल्ली को वो नोटिस भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपने हाउस टैक्स जमा किया या नहीं जमा किया, इसका प्रूफ दो। तो आदमी 6 महीने साल भर 8 महीने की अपनी जो रिसिप्ट होती है वो ले जाके जमा कर दे रहा है। वो कह रहे नहीं नहीं 6 महीने 8 महीने 10 महीने की रिसिप्ट नहीं चलेगी, 2004 से लेके आज तक की रिसिप्ट कि आपने हर महीने हाउस टैक्स जमा किया है इसकी जो रिसिप्ट है ये आप दो। मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर कोई भी दे सकता है, खुद एलजी साहब का ऑफिस भी नहीं दे सकता कि उन्होंने हाउस टैक्स जमा किया नहीं किया 2004 से लेके। भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दे दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद दे दे अपने घर का कि 2004 से लेके 2022 तक के हर महीने वाइज आप रिसिप्ट दे दो कि आपने हाउस टैक्स जमा किया है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कसम खा लिया है कि दिल्ली वालों को परेशान करेंगे दिल्ली वालों।